हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे सो एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई बी डिस्कसिंग एच आर एम मॉडल्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल्स एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा सो विदाउट मच अडू लेट स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो सो लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ एच आर एम मॉडल्स वाई वी आर स्टडिंग दीज मॉडल्स ये मॉडल्स बने क्यों तो उनके ऑब्जेक्टिवस के ये मॉडल्स हमको क्या देते हैं एक तरीके का एनालिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं एच आर एम ऑफ द एच आर एम दैट स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स ऑफ एच आर एम तो जितने भी वेरिएबल्स हैं एच आर एम के उनके बीच में उनके उनके आपस में एक रिलेशनशिप इस्टेबलिश करते हैं एक आउटलाइन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ये मॉडल्स दिस मॉडल सिंपली गिव अस देर आउटलाइन टू द वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ एच आर एम कौन सी कितनी प्रैक्टिसेस हैं एच आर एम में कौन सी प्रैक्टिस बेस्ट है तो उस प्रैक्टिसेस का एक आउटलाइन हमको मिलता है इन मॉडल्स uh, द्वारा ये मॉडल्स एक तरीके के ह्यूरिस्टिक डिवाइसेस भी होते हैं दैट हेल्प अस इन एक्सप्लेनिंग द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेज व्हाट आर ह्यूरिस्टिक डिवाइसेस दीज आर दी मेंटल शॉर्टकट्स जब हम किसी भी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट uh, का सहारा लेते हैं कोई शॉर्टकट मेथड के थ्रू उस सोल्यूशन तक पहुंचते हैं उस रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो ह्यूरिज्म कहलाता है तो ह्यूरिस्टिक डिवाइस इट्स काइंड ऑफ अ मेंटल शॉर्टकट विच वी यूज विच एन ह्यूमन बींग और एन इंडिविजुअल टेक टू डिराइव सल्यूशन तो बेसिकली ये जो एच आर मॉडल्स हैं ये एक तरीके का ह्यूरिस्टिक डिवाइस है ये एक तरीके के शॉर्टकट कट हैं जिनकी वजह से या जिनकी हेल्प से हमको पता चलता है कि एच आर प्रैक्टिस का नेचर क्या है कौन कौन सी प्रैक्टिस होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कौन सी प्रैक्टिस बेस्ट रहेगी ताकि ऑर्गेनाइजेशन एफिशेंटली एंड एफेक्टिवली वर्क कर सके आई होप आपको ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये समझ में आ गए होंगे so let's proceed with the models basically there are five models okay there are five models the forbrun model the forbrun matching model the harvard model the Guess model the warwick model and the dave ulrich model and i'll be discussing three models in this video first three one the forbrun harvard and Guess model लेट्स प्रोसीड विथ द फर्स्ट मॉडल विच इज द फोर ब्रन मैचिंग मॉडल ये 1984 में आया था दिस इज द फर्स्ट मॉडल बाय फोर ब्रन टिची एंड देवन्ना एंड दिस मॉडल फोकस इज ओनली ऑन फोर फंक्शंस तो ये मॉडल जो है ये केवल एच में ये फोकस करता है एच के केवल फोर फंक्शंस को लेकर तो इसका जो भी जो भी फ्रेमवर्क बनता है या ये जो मॉडल है ये केवल एच के जो चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट मॉडल

वो स्टार्ट किससे होते हैं प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं बट दिस पर्टिकुलर मॉडल में क्या हो रहा है ये सिलेक्शन से स्टार्ट हो रहा है एंड देन अप्रेजल है देन ऑर्गेनाइजेशन देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो भी uh, इम्प्लॉज uh, सेलेक्ट हो रहे हैं उनको अप्रेजल हो रहा है उनको डेवलप किया जा रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है प्रॉपरली उनको कॉम्पनसेट करा जा रहा है उनको रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं ताकि वो और अच्छे से परफॉर्म कर सके और इन्हीं सब से मिलता इन यही सब मिल के एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली मूव ऑन कर पा रहे हैं या प्रोसीड कर पा रहे हैं उनकी वर्किंग से दीज फोर कम्पोनेंस ऑफ एच आर एम आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दी इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गनाइजेशन ये मॉडल कहता है कि यही चार फंक्शंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिव हो सकता है कितना इफेक्टिव है या कितना इफेक्टिव होना चाहिए वो सारी की सारी इफेक्टिवनेस यही चार फंक्शंस या कंपोनेंट पर डिपेंड करती है as per this model this model is a straightforward it uh, is model is straightforward and serves as a heuristic framework फॉर डिस्क्राइबिंग द नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ असेंशियल एच आर एक्टिविटीज़ ये मॉडल एक यूरिस्टिक फ्रेमवर्क हमको देता है जिसकी हेल्प से हम जो इम्पॉर्टेंट एच आर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी उनका नेचर पता कर पा रहे हैं उनकी उनकी सिग्निफिकेंस पता कर पा रहे हैं द मॉडल ऑल्सो एम्फिसाइज द इंटर डिपेंडेंस ऑन दफ़ दर एक्टिविटी ये मॉडल ये भी कहता है कि कैसे ये चारों की चारों एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ सेलेक्शन डवलपमेंट अप्रेजल एंड इंसेंटिवस ये चार एक्टिविटीज़ कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन एफेक्टिवली काम कर सके इनका इंटरलिंक्ड होना ही इनका इंटीग्रेटेड होकर काम करना ही ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को ही को बढ़ाता है अदरवाइज अगर ये केवल सेपरेटली काम करेंगी ये सारे के सारे डिपार्टमेंट या ये सारे के सारे फंक्शंस तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी सो इन ऑर्डर टू मेक ऑर्गेनाइजेशन वर्क इफेक्टिवली वी नीड टू अलाइंग दिज फोर कंपोनेंट्स दिज फोर फंक्शंस ऑफ एच आर एज पर दिस पर्टिकुलर मॉडल दिस मॉडल हैज द डिसडवाटेज ऑफ बींग इनकम्प्लीट बिकॉज इट कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन फोर एच आर फंक्शंस तो ये मॉडल इनकम्प्लीट uh, बोला जाता है क्योंकि ये केवल इन्हीं चार एक्टिविटीज़ पर कॉन्सनट्रेट कर रहा है इस मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो केवल यही चार एक्टिविटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिव इफेक्टिवनेस uh, के लिए और बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं या बाकी के जो फंक्शनस हैं उसको इस मॉडल ने हटाया हुआ है इस मॉडल ने उन फंक्शंस पर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं दी है This model focuses on strategic human resource management that emphasizes on the management of formal groups एंड न्यू इम्प्लॉयज़ ये जो मॉडल है ये बोलता है कि कैसे फॉर्मल ग्रुप्स को क्रिएट करना चाहिए और कैसे जो न्यू इम्प्लॉयज़ हैं उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जैसे कि सेलेक्शन ऑब्वियसली सेलेक्शन का जो फंक्शन है उसको ये इम्पोर्टेंस दे रहा है विच इज़ वाई ये कह रहा है कि कैसे जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं जो भी न्यू एंट्रेंस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको कितनी अच्छी तरह से उनका डेवलपमेंट करना चाहिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए उनका प्रेजल होना चाहिए ताकि वो मोटि मोटिवेटेड होकर वर्क कर सके और्गनाजेशन. शनल इफेक्टिवनेस के एरिया में द एलिमेंट्स ऑफ मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिलेक्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल डेवलपमेंट ऑफ इंप्लाइज रिवॉर्ड दिस मॉडल फोकसिस ऑन दीज फंक्शंस एंड देयर इंटर रिलेटेडनेस द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द मॉडल इज टू रेगुलेट द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हयाकि न्यू स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़ विदोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो यही इसका मेन फंक्शन है मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके एक हयाकि बनाई जा सके और स्ट्रैटीज़ फॉर्मुलेट की जा सके पॉलिसीज़ बनाई जा सके ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के को ध्यान में रखकर मूविंग ऑन टू आवर second मॉडल which इज़ the हार्वर्ड मॉडल दिस मॉडल was डेवलप्ड इन द ईयर nineteen eighty four बाय माइकल Beer, बर्ड स्पेक्टर एंड रिचर्ड Walton, हु were the ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इसी वजह से इसका नाम हार्वर्ड मॉडल पड़ा है ये एक तरीके का बहुत एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है अगर हम बात करें फोरब्रन मॉडल की तो वो केवल चार फंक्शंस को या चार कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया था ये कंपोनेंट्स थे सिलेक्शन अप्रेजल डेवलपमेंट रिवॉर्ड्स ठीक है लेकिन वहीं अगर हम हार्वर्ड मॉडल की बात करें तो उन इस हार्वर्ड मॉडल में ए, बहुत सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन केवल चार कंपोनेंट्स या चार फंक्शंस से नहीं वर्क करती है वो इसके अलावा बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिन फंक्शंस को सबको साथ मिल काम करेंगे तब जाके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली वर्क करवा सकते हैं तो अगर हम स्टार्ट करें एच आर पॉलिसीज से तो एच HR, आर क्या है एच आर पॉलिसीज़ क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है ह्यूमन रिसोर्स का फ्लो क्रिएट करता है रिवॉर्ड सिस्टम बनाता है वर्क सिस्टम बनाता है तो जब ये सब करता है तो उस एक्शन या उन प्रैक्टिस का जो आउटकम निकल के आता है वो क्या आता है कि दे गेट द कमिटमेंट फ्रॉम द इम्प्लॉयज़ दे गेट कॉम्पिटेंट इम्प्लॉयज़ ऐसे इंप्लॉयीज़ जो आपस में कॉन्ग्रुएंसी बना के चलते हैं मतलब आपस में तालमेल बना के चल रहे हैं मिलजुल के काम कर रहे हैं उस साथ के साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है जब ये होता है तो वी गेट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसिस इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल वेलबींग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस सोसाइटल वेलबींग इंडिविजुअल वेलबींग का मतलब है ये जो इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वेलबींग well होता है ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग रन में एक ओवरऑल इफेक्टिवनेस सामने आती है ऑर्गेनाइजेशन और इफेक्टिवली काम करती है देन सोसाइटी वेल्बिंग जिस सोसाइटी जिस में ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है उसका भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है ये सब चीजों को जो uh, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है या उसका असर होता है वो स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड सोसाइटी हमारे जो सिचुएशनल फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट की बात करें तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं ऐसे लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इंटरेस्ट रखते हैं चाहे वो शेयर होल्डर्स हो मैनेजमेंट हो इम्प्लॉज हो गवर्नमेंट हो कम्यूनिटी हो यूनियन हो ये सबको ध्यान में रख के हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस एच आर प्रैक्टिस को व करना पड़ता है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है उसके साथ साथ इंप्लॉयज़ को भी ध्यान में रख के काम करना पड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारे एच आर प्रैक्टिसज एंड ऑर्गनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं कम्यूनिटी जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं वहाँ के जो लॉज होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं साथ के साथ जो ट्रेड यूनियंस वगैरह ऑपरेट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं उसके साथ साथ सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं वर्क फोर्स कैरेक्टर से बिजनेस स्ट्रैटीज़ जो बनाते हैं कंडीशंस जो होती हैं देन वी हैव टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एंड uh, uh, बहुत ज़्यादा क्रूशल फैक्टर है जो बहुत uh, सीधे तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पेक्ट करता है टेक्नोलॉजीज uh, चेंज होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है देन लॉ सोसाइटल वैल्यूज लेबर मार्केट जिसमें लेबर मार्केट क्या हुआ एक ऐसा मार्केट एक या एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर करते हैं डिमांड करते हैं लेबर की सप्लाई आता है वहाँ पर लेबर का तो जैसे नॉर्मल मार्केट होता है उसमें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स होता है या सर्विसेज होता है लेबर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स या एम्प्लॉयज़ या लेबर होता है ठीक है तो ये सारी सारी कंडीशंस कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करती हैं और जब ये सारी चीजें साथ में काम करती हैं तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली वर्क कर पाती है इन सिंपल टर्म्स इट इज अ फ्रेमवर्क दैट एग्जामिन्स हाउ पॉलिस एच आर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस कैन इम्पैक्ट अ कंपनी स्टेक होल्डर तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये हार्वर्ड मॉडल क्या बोल रहा है हार्वर्ड मॉडल ये बता रहा है कि कैसे एच आर की पॉलिसीज़ और एच आर की प्रैक्टिस स्टेक होल कंपनी के शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स को के ऊपर असर कर सकती हैं उन उनके इंटरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं और जो बिजनेस का जो लॉन्ग रन में जो कॉन्सिक्वेंसेज या आउटकम्स होते हैं उनको चें चेंज कर सकती हैं इन अदर वर्ड इट्स अबाउट हाउ एच आर कैन मेक और ब्रेक अ कंपनी द पॉपुलरिटी ऑफ दिस मॉडल कैन बी एंट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट इट इज पीपल सेंट्रिक रादर देन बींग आउटकम सेंट्रिक तो यह जो मॉडल है वही ज्यादातर पीपल सेंट्रिक है पीपल सेंट्रिक कैसे कि जैसे हम एचआरएम पॉलिसीज बना रहे क्रिएट कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट एच आर आउटकम पे पड़ रहा है इंप्लॉइज के कमिटमेंट पर पड़ रहा है कॉम्पिटेंस पर पड़ रहा है तो हमको यह सब ध्यान में रखें अपनी एचआर पॉलिसीज बनानी पड़ती है ताकि हमारी एचआर पॉलिसीज ऐसा ना हो कि इंप्लॉयज नेगेटिवली इंपैक्ट करें तो हम चाहते हैं अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से इफेक्टिवली वर्क करें एफिशियटली वर्क करें तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज होंगी वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे वर्कफोर्स पर हमारे ह्यूमन रिसोर्स को पॉजिटिवली इंपैक्ट करे वो कमिटेड हो जाए और वो लॉयल हो जाए टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा उनका जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल के आए ताकि वो और कमिटेड होकर कॉम्पिटेंट होकर काम कर सके और जब ऐसा होगा हारमोनियस वे में जब वो काम करें के एक दूसरे के साथ मिलके कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ध्यान में रख के तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करेगी करेगी नाउ कम्स आर गेस्ट मॉडल व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय डेविड गेस्ट इन द ईयर 1987 और इसी वजह से इसका नाम भी गेस्ट मॉडल है सो गेस्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो गेस्ट मॉडल क्या बोलता है गेस्ट मॉडल के बोलता है कि फर्स्टली हमारी एचआर की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं राइट right? अब स्ट्रैटेजीज़ होती हैं तो स्ट्रैटेजीज़ पे वो वर्क करते हैं एच आर प्रैक्टिस जिसको बोला जाता है जब वो जो भी उनकी एच आर प्रैक्टिस होती हैं उनसे एच आर आउटकम्स निकल के आते हैं दैट कैन बी कम कॉम्पिटेंसीज अमंग्स द इंप्लॉयज़ एफिशेंसी ऑफ द इम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड इम्प्लॉयज़ सैटिस्फाइड इम्प्लॉयज़ द कमिटमेंट ऑफ द इम्प्लॉयज़ राइट देन वी हैव बिहेवियर अब एच आर आउटकम है तो बिहेवियल आउटकम भी होगा बिहेवियल आउटकम वही कि इम्प्लॉय uh, सेटिसफाइड है इम्प्लॉज़ ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है मोटिवेटेड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा झील है towards the organization to work ठीक है ये होगा उसके बाद परफॉर्मेंस आउटकम अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो रिवॉर्ड्स इंसेंटिव्स बोनस ये सब मिलेगा ऑब्वियसली तो सब ये सारी चीज़ें होंगी तो फाइनेंशियल आउटकम अच्छा होगा फाइनेंशियल आउटकम मतलब रिवॉर्ड सॉरी आर ओ आई रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट देन वी हैव प्रॉफिट बिजनेस फ्लरिश करेगा तो बेसिकली जो गेस्ट मॉडल है वो क्या करता है हार्ड अप्रोच और सॉफ्ट अप्रोच को मिक्स कर रहा है ना हार्ड अप्रोच क्या है हार्ड अप्रोच एक वो एच प्रैक्टिस है जिसमें एच केवल मैनेजर केवल फोकस किस पे कर रहा है प्रॉफिट मेकिंग पे. वो इंप्लाइज को एज अ मशीन देख रहा है एज अ टूल देख रहा है टू दी प्रॉफिट, ठीक है वही सॉफ्ट अप्रोच में मैनेजर किस पे फोकस कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस कर रहा है इंप्लॉयज पे फोकस कर रहा है और उस, उनको एज अ वैल्यूबल असेट देख रहा है ठीक है लेकिन वो सेपरेटली यहाँ पर काम नहीं हो रहा है गेस्ट मॉडल में हार्ड अप्रोच और सॉफ्ट अप्रोच दोनों को मिक्स कर दिया गया है जहां पर वो फाइनेंशियल आउटकम्स भी देख रहे हैं फाइनेंशियल अपनी एच आर प्रैक्टिस कुछ उन्होंने ऐसी बनाई है जिससे उनको इवेंचुअली प्रॉफिट हो वहीं पर वो ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि प्रॉफिट के साथ साथ जो इंप्लाइज हैं उनका बिहेवियर भी चेंज हो वो मोटिवेटेड रहें सेटिस्फाइड रहें और ज़्यादा एफिशेंटली और इफेक्टिवली काम कर पाए तो यहाँ पर हार्ड अप्रोच एंड सॉफ्ट अप्रोच दोनों को ध्यान में रख के काम किया गया है द गेस्ट मॉडल इज़